ताची से दहशत गर्दों के खात्मे में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। रेंजर्स की काविशें सूबे भर में बहाली अमन की सूरत में नजर आती हैं। गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल की रेंजर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा फिफ्थ जनरेशन वॉर का सहारा लेने वालों का रेंजर्स ने डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने शहर में अमन की बहाली के 6 साल में अहम कामयाबियां हासिल की। रेंजर्स के शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दहशत गर्दों का खात्मा और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ कौमी और सूबाई सतह की तकरीबात पर मौसर तरीन सिक्योरिटी की फरहमी जैसी जिम्मेदारियों को मुकम्मल पेशावराना महारत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाना पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का ही सरमाया इफ्तिखार है। इस किस्मरात पूरे सूबे में सूबे भर में बहाली अमन की सूरत में नजर आ रहे हैं, बल्कि कराची एक दफा फिर से बैन अल-अक़वामी सतह पर तजारती और सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन गया है, जिसकी मिसाल आइडियाज 2018 में दुनिया के बहुत से ममालिक के वफूद की कराची आमद है, जिससे हमारी मुल्क की दिफाई पैदावार की बैन अल-अक़वामी सतह पर पजीराई हुई।